हेलो फ्रेंड्स, मैं तुहिन एंड आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्यूटोरियल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑटोकैड 3D में डोर एंड विंडोज का डिजाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसा तो इसके लिए पहले हम लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों का इधर 2D में है तो ये 3D मॉडलिंग जहाँ पर है वहाँ पर आ जाना है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल 3D पेज में ही हूँ, तो देखो इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो प्लीज एंड तक देखते रहिए। तो पहले क्या करना है, हम लोगों को 2D वायर फ्रेम में ले लेना है, फिर हमारा जो डोर का पोजीशन था ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा बस। अभी देखो यहाँ पर और एक चीज़ करना है दोस्तों, अगर 2014 है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो हम लोग इधर से भी कर सकते हैं। ये जो आइसोमेट्रिक है इसको इसी आइसोमेट्रिक में ही रखना है, और ये जो है टॉप है, देखो अगर हम 2014 में करें तो अगर इसको मैं ये ऊपर रख देता हूँ तो जेड एक्सिस हमारा इधर से आ जाता है, ठीक है, जेड एक्सिस। और ये जो प्लेन है इस प्लेन में हमको काम करना है, वो एक्स वाई डायरेक्शन में आ गया। इसको ही अगर 2006 हो, 7 हो, या 2012 हो ऑटोकैड का वर्सन, तो ये हम इससे कर सकते हैं इसको चेंज करके। ठीक है, तो चलो फिलहाल अभी शुरू करते हैं कॉन्सेप्चुअल से 2D वायर फ्रेम। देन हम लोगों को क्या करना है, इधर रेक्टेंगल चूज करना है। चलो इधर हम लोग पहले रेक्टेंगल, फिर इसको यहाँ से मूव कर लेना है रेक्टेंगल को, पेज का जहाँ पर भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया जो डोर का साइज। अभी देखो ये जो है ये रेक्टेंगल को पहले हम ई एक्स पी एल एक्सप्लोड एक्सप्लोड कर लेते हैं। ठीक, क्यों, क्या ये नीचे को हिस्सा को अलग करने के लिए, फिर ये तीनों को जे मतलब जॉइंट एंटर, ये हम क्यों किया, देखो अभी यहाँ पर एक ऑफसेट लेना है। ठीक है, कितना 3 इंच का ले लेता हूँ। देखो ये हो गया हमारा फ्रेम, ठीक है, डोर और विंडो का जो फ्रेम रहता है ये वाला, दिखा देता हूँ एक बार, ये जो फ्रेम है, चलो ये तो है आम जिंदगी और ये आ गया हमारा मेंटोस जिंदगी। ठीक है, तो ये जो है ये है फ्रेम हमारा, तो इस ये फ्रेम के लिए हम लोग इधर ये वाला ऑफसेट ले लिया। चलो फिर से 2D वायर फ्रेम में ही काम करना है। अभी क्या करना है, इसमें डिज़ाइन देना है। आप लोग मेरे हिसाब से जो मेरा डिज़ाइन है वो भी दे सकते हैं, आपका भी डिज़ाइन दे सकता है। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इस प्लेन में अभी काम कर रहा है तो इसको ये प्लेन में ले आते हैं, ठीक है, काम करने में आसान होगा। चलो अभी इसमें थोड़ा डिज़ाइन देता है, ये वाला डिज़ाइन ही है हम करके दिखाएंगे, ये वाला जो डिज़ाइन था ना ये वाला। तो इसके लिए हम क्या किए, ये रेक्टेंगल यहाँ पर एक पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है इसीलिए ऐसा किया। अब अलग भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भी दे सकते हैं और भी। तो ये जो है हम अभी इसको कॉपी कर लेंगे, सी ओ शॉर्ट फॉर्म कॉपी का, ये हम इसको कॉपी कर लिया, देन इंटर। अभी इसमें थोड़ा और भी डिज़ाइन देने के लिए ये जो है हमारा स्टार्ट सेंटर एंड एंड, इसको चूज करेंगे, इसमें आसान होता है, स्टार्ट सेंटर एंड हो गया, स्टार्ट सेंटर एंड कंप्लीट। अभी इसको हटाना है, ये वाला जो है इसको हटाना है, इसीलिए ये दोनों को फिर से क्या कमेंट है, एक्सप्लोड कमेंट ई एक्स पी एल एंटर, फिर ये दोनों को फिर से हटा देना है डिलीट, फिर ये सबको फिर से ज्वाइंट कर लेना है जे एंटर। देखो मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा भी हो सकता है वीडियो, जे एंटर। ठीक है, ये दोनों हो गया, फिर हम लोगों को लेना है ये वाला मिडिल का पोर्शन। तो मिडिल का पोर्शन पे भी ये रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर एक आउटर लाइन ले लेते हैं बस, फिर से सेम प्रोसेस चलो कर लेते हैं। हमें ये एक रेक्टेंगल हो गया और इसको ही कॉपी कर लेंगे, सी ओ इंटर।
चलो हो गया हमारा ये वाला। अभी इसमें क्या करना है देखो, ये जो बीच में जो, देखो फिर से एक बार, ये बीच में जो है थोड़ा डाउन पोर्शन, इसके लिए इस पोर्शन को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसमें एक ऑफसेट ले लेना है। चलो ऑफसेट ले लेता हूँ एक छोटा सा, कितना 1 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। सबको एक एक करके आपसे ले लेना है, बस ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अभी सिंपल सा काम है ये प्रेस पुल का, बस अभी प्रेस पुल कमेंट चूज करो, ये सेक्शन में लाओ। जो फ्रेम है, फ्रेम को हम दे देते हैं 3 इंच का। अभी हमारा ये वाला हिस्सा, इसको 2 इंच का दे दो। फिर देखो ये जो बीच का हिस्सा है, जो डाउन पोर्शन है, इसको दे दो 1 इंच का। सभी जो चैनल पोर्शन है उसमें 1 इंच का ही ले लो। ये हमारा चैनल पोर्शन का हो गया। अभी बीच में जो ये वाला पार्ट था, इसका इसका सेम हाइट में यानी कि 2 इंच ले लेना है। एंटर, फिर से बाहर खींचो उसको 2 इंच। हो गया, ठीक है, एंटर। अभी क्या बोला था, ये हमारा आम जिंदगी और ये हो गया हमारा मेंटल जिंदगी। ठीक है, देख लो हो गया है। और भी मेंटल जिंदगी प्रो आएगा, ठीक है, देखो कि वो कैसे आते हैं। अभी हम कॉन्सेप्चुअल में आ जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल से सॉरी रियलिस्टिक में। इसमें अभी एक कमेंट है, मैट, एंटर। ये बहुत ही अच्छा कमेंट है, ठीक है। इसमें हम बाहर जो फ्रेम है उसके लिए ले लेंगे ये वाला, और ये जो हमारा बीच में है इसको ये दे देते हैं। सब बाहर जो फ्रेम है, फ्रेम को एक वुडन कलर देता है, इसमें वुडन भी है, देख लो ये वाला जो वुड है, सॉरी ये जो वुड है, वुड में आ जाओ। फिर क्या, इसको लगा दो वुड का, ठीक है, अभी सही लग रहा है। ये हो गया हमारा डोर का। तो ये जो है, फिर हमको हैंडल लगाना है ऐसा, तो इसको कैसे करें, ये भी बहुत ही आसान है। चलो फिर से इसको टू डिवाइड करने लिया, थोड़ा सा घुमा देते हैं। इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ, फिर से आप अपने खुद के हिसाब से ले लेना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। साइड में पेस्ट, फिर इसमें ऊपर और नीचे से 1 इंच, 1 इंच दो ऑफसेट ले लिया। फिर हो गया, फिर इसमें साइड का हैंडल का जो साइड है 1.5, हो गया। अभी इसका डाया कितना होगा हैंडल का, वो भी देख लेते हैं। इसके लिए सी एंटर, चलो फिर से क्या करना है, ये तीनों को ज्वाइंट कर लो। फिर ये जो स्वीप कमेंट है, आप लिख के भी कर सकते हो स्वीप, SWWP स्वीप कमेंट, या यहाँ से ही ले सकते हो स्वीप। देन इसको सिलेक्ट,
इंटर देन सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी 2D को कॉन्सेप्चुअल में बदल डालो। और क्या करना है, थोड़ा सा घुमा लो इसको। इसका हाइट ले लो, जो थिकनेस है हैंडल का 0.5। अभी ये जो हैंडल है इसको घुमाना है, इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे ये 3D रोटेट, देन एंटर। अब इसको 90 डिग्री में घुमाना है, 90 एंटर। ठीक है, फिर से इसको कॉन्सेप्चुअल से 2D वायर फ्रेम में ले आओ, इसको मूव कर डालो। और ये दोनों को डिलीट कर दो, कुछ काम करेगा। अभी इसको भी मूव कर लो। तो ये नीचे का हिस्सा में है, फिर से ये दोनों को सिलेक्ट करो, इसको और इसको, एंटर। इसको 2 इंच ऊपर में ले आते हैं। चलो कॉन्सेप्चुअल करके देख लेते हैं, वही हो गया हमारा। तो इसको रियलिस्टिक, ठीक है, ये हैंडल भी बन गया है, इसका कलर चेंज कर दो। बस हो गया हमारा बढ़िया सा डोर। इसी सेम प्रोसेस से हम विंडो भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस जैसा डोर के लिए दिखाया वैसा ही। ठीक है, अभी डोर को सही जगह में प्लेस करना है। फिर से क्या करना है, 2D वायर फ्रेम से कॉन्सेप्चुअल ले लो, सॉरी 2D वायर फ्रेम ले लो, कॉन्सेप्चुअल से इसको कॉपी कर लो। मूव भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, अगर और भी दरवाजा है डोर है तो उसको कॉपी करके दूसरी जगह में लगा सकते हैं। चलो उसको सही जगह में फिट कर दिया। अब इस 2D वायर फ्रेम को कॉन्सेप्चुअल करके देख लेते हैं, रियलिस्टिक भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा दरवाजा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर और एक टॉपिक लेकर आएंगे। गुड बाय।